सेवन लोग हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएमएस प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। मेरी पिक्चर अभी तक नहीं आ रही है ना? नहीं, पिक्चर नहीं आ रही है। तो व्हाट इज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम? प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है कि इसमें साइको न्यूरो इंडोक्राइन सिम्टम डेवलप होता है, साइको न्यूरो इंडोक्राइन डिसऑर्डर डेवलप होता है जिसका कोई अननोन इटियोलॉजी है, जिसका कोई अननोन इटियोलॉजी है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको डायग्नोस करते हैं कि दिस इज द पीएमएस और दिस इज द अदर थिंग। तो वो जो है, सबसे पहले तो लिख लीजिए इसका डेफिनेशन कि प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इज ए साइको न्यूरो इंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ अननोन इटियोलॉजी, ऑफ अननोन इटियोलॉजी। जस्ट प्रायर टू पीएमएस इज ए साइको न्यूरो इंडोक्राइन डिसऑर्डर, इंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ अननोन अननोन इटियोलॉजी, ऑफ ए अननोन इटियोलॉजी। यानी इसके काउज का एग्जैक्टली पता ही नहीं है। ठीक है, ऑफ्टन नोटिस जस्ट प्रायर टू द मेंस्ट्रुएशन, ऑफ्टन नोटिस जस्ट प्रायर टू द मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन देयर इज साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन ना सर, मेंस्ट्रुएशन मेंस menstruation, there is cyclic appearance of a, there is cyclic appearance of a, appearance of a large number of symptoms, there is cyclic appearance of a large number of symptoms. There is a cyclic appearance of a large number of symptoms. Sir, unknown etiology के बाद क्या बोले? Often notice or it will be noticed just prior to the menstruation. यानी मेंस आने से जस्ट पहले ये पता चलता है और यानी स्टार्ट होता है, और अमूमनता ये अननोन काउज होता है इसका। कई सारे सिम्टम एक साथ डेवलप होते हैं लार्ज नंबर में, लार्ज नंबर में डेवलप होते हैं, और ये ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन 7 से 10 दिन तक रहते हैं, और ये ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन 7 से 10 दिन तक रहते हैं। ठीक है, ओके। मतलब ये जो सर साइक्लिक सिम्टम जो भी आएगा वो 7 से 10 दिन रहता है ना? ठीक है जी। तो सेकंड क्या हो जाएगा इसका, चूंकि इटियोलॉजी तो अननोन है तो कोई इटियोलॉजी तो हो नहीं सकता है। ठीक है जी। तो इसके क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस होते हैं, क्राइटेरिया।
नंबर एक नॉट रिलेटेड टू एनी ऑर्गन, किसी ऑर्गन से रिलेटेड कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होगी, नॉट रिलेटेड टू एनी ऑर्गन और लीजन ऑर्गेनिक लीजन। शाहनवाज और गाड़ी ये कह दिया था नॉट रिलेटेड टू एनी ऑर्गेनिक लीजन। Regularly occur during the luteal phase of each ovulatory menstrual cycle. Regularly occur during the each luteal phase of each ovulatory menstrual cycle. Third, symptom must be severe enough. Symptom must be severe enough to disturb the lifestyle and she required medical help. Symptoms must be severe enough to destroy. Disturb the lifestyle. And woman require medical help. And symptom three. Period during the rest of the cycle and symptom free period during the rest of the cycle. अब इससे क्या समझ में आया हमको इन चारों criteria से? पहला criteria क्या हो गया? No related to any organic lesion, यानी इसमें किसी organ में किसी तरह का कोई खराबी नहीं है, चाहे वो यूट्रस हो गया, ओवरी हो गया, फलोपियन ट्यूब हो गया, पूरा पेल्विक हो गया, या फिर ड्रेन हो गया, या फिर हमारा एड्रिनल ग्लैंड हो गया, इस सब में से कहीं पे कोई खराबी नहीं पैदा होगी। ओके, दूसरी चीज क्या होता है कि ये हर एक साइकिल में, साइकिल शुरू होने से पहले जो लूटियल फेज होता है, लूटियल फेज से लेके जब तक साइकिल रहता है तब तक इस तरह के कॉम्प्लेक्स ऑफ सिम्टम होते हैं और ये ओवुलेटरी मेंस्ट्रुएशन में ही होता है, एनोवुलेटरी मेंस्ट्रुएशन में नहीं होता। जैसे कि एनोवुलेटरी मेंस्ट्रुएशन कब होता है, कोई बताएगा? दिलकश जहां, सगुफ्ता परवीन हुसैन, क्वेश्चन क्या है सर? एनोवुलेटरी मेंस्ट्रुएशन कब कब होता है? सर पीसीओडी में होता है और मेन तो यही है, पीसीओडी में मेनली होता है। तो फेज ऐसा है फिजियोलॉजिकल, दो फेज ऐसा है जिसमें एनोवुलेटरी मेंस्ट्रुएशन होता है। सबसे पहला मेनार्ज से लेकर के नेक्स्ट टू ईयर, मैंने बताया भी था मेनार्ज से लेके नेक्स्ट टू ईयर जो है वो एनोवुलेटरी मेंस्ट्रुएशन होता है। यही वजह है कि इस दौरान भी जो है कभी बहुत हेवी ब्लीडिंग, कभी बहुत पेनफुल कंडीशन होता है, जैसे कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया भी होता है। ठीक है, वहीं सेकंड क्या फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आफ्टर द एज ऑफ 45 जब ओवरी एट्रोफाइड करने लगता है, यूट्रस एट्रोफाइड शुरू हो जाता है, तो वो एनोवुलेटरी मेंस्ट्रुएशन होता है।
समझ में आया सगुफ्ता एंड दिलकश? ओके चलो, एक तो ये, फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। पैथोलॉजिकल कंडीशन में एक हर एक पीसीओएस केस में नहीं होता है, या पीसीओडी केस में, हर एक पीसीओएस या पीसीओडी केस में नहीं होता है, लेकिन कुछ परसेंट पीसीओएस या पीसीओडी केस ऐसे हैं जिसमें एनाओवुलेटरी मेंस्ट्रुएशन होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि ये सिम्टम इतना ज्यादा तेज होता है, इतना ज्यादा सेवियर होता है कि वो लेडी को क्या रूटीन जो लाइफस्टाइल है उसको उसको वो हैम्पर करता है, आप बेड रिजन बना देता है, इवन के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, इतना ज्यादा सेवियर होता है। ठीक है, चौथा तो जब कभी भी मेंस्ट्रुएशन खत्म होगा उसके साथ साथ ये पेन खत्म हो जाएगा, देन टिल द लूटियल फेज ये एकदम नॉर्मल रहेगी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अगर इस क्राइटेरिया में फिट बैठती है तो एक हम प्रोविजनल डायग्नोसिस बना सकते हैं या डायग्नोसिस बना सकते हैं। इसके लिए अमूमनता ज्यादातर कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह की, हाँ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या कि कोई ऑर्गेनिक इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, उसके लिए आप चाहे तो ब्रेन ट्यूमर के लिए आप अल्ट्रासाउंड ये सीटी स्कैन या एमआरआई करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से आप जो है पेल्विक का डिजीज और उसके बाद जो है रीनल डिजीज ये या यूट्राइन ओवेरियन डिजीज का आप पता लगा सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि इससे ये बीमारी पता चल सके, चूंकि काउज ही अननोन है तो कैसे पता चल जाएगा कि डायग्नोसिस कैसे बनाओगे। तो डायग्नोसिस स्पेशली और मोस्टली बेस्ड ऑन द ओनली क्लिनिकल फीचर्स एंड हिस्ट्री। डायग्नोसिस इज द बेस ऑन ओनली क्लिनिकल फीचर्स एंड हिस्ट्री। तो दूसरी चीज ये है कि आखिर ये चीजें हो रही है तो कुछ तो वजह होगी, तो हाइपोथेटिकली जो है इसके कुछ पैथोफिजियोलॉजी बयान किए गए हैं, वो मेनली मुझे कोई बताएगा हाइपोथेटिकली मींस क्या हुआ? जिसको मान लिया जाता इसमें सर ऐसा कंसीडर कर लिया जाता है कि ऐसा होगा तो ये प्रॉब्लम होगा, कुछ चीजों को कंसीडर किया जाता है या कुछ को ये बनाया जाता है, पैरामीटर टाइप से बना लिया जाता है, जिस तरह से मिजाज वगैरह देखते हैं ना हम लोग इसमें। बेसिकली हाइपोथेसिस कहते हैं कयास जिसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, सिर्फ हम कयास लगा रहे हैं। धुआं देख के हम क्यास लगा लिया, हम भले आग को देखे ही नहीं लेकिन धुआं देख के हमने क्यास लगा लिया, ये फलाने जगह पे आग लगी हुई होगी, होगी और है में अंतर होता है। तो हाइपोथेसिस उसे ही कहते हैं। अगर मेडिकल में मेडिकल रिसर्च की बात करें तो कोई भी जो रिसर्च होती है वो हाइपोथेटिकल बेस होता है, हाइपोथेसिस उसके लिए बनाना पड़ता है। सपोज करो कि मैंने एक दवा लिया, मैंने बिक अमलतास ले लिया, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये डिसमिनोरिया में बहुत अच्छा काम करता है, अब इसका कोई साइंटिफिक प्रूव्ड साबित करने के लिए ही मैं ये कह रहा हूं, अतिब्बाओं ने बयान किया है लेकिन अतिब्बाओं ने रिसर्च करके तो नहीं बताया, उस पैरामीटर को फॉलो करके तो नहीं बताया, बुक्स में क्या दिए हुआ है वो भी, हाँ भाई हमने इलाज किया ठीक हो गया चलो कोई बात नहीं, इसलिए ये फायदेमंद है। तो फायदेमंद किस किस पैरामीटर पे है उसको एसेस करते हैं, तब जाके ये साइंटिफिक इवैल्यूएशन होता है। तो पहले जब रिसर्च हम शुरू करते हैं तो एक हाइपोथेसिस ही देते हैं कि हमारा
ये कयास है कि ये दवाई इसमें बहुत अच्छी काम करती है, वो कयास भी किसके ऊपर है, कयास इसके ऊपर है कि जो हमारे एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है। जैसे आग के बारे में बताया कि एक आग वहीं लगती है, धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होगी। बिना धुआं के, बिना आग के धुआं थोड़े होता है, बिना धुआं के आग होता है, लेकिन बिना आग के धुआं नहीं होता ना। तो ठीक उसी तरह मेडिकल में भी हमारी कोई भी रिसर्च शुरू करने से पहले हमें बताना पड़ता है कि दिस इज द हाइपोथेटिकल थिंग और हम इसको इवेलुएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हाइपोथेटिकली क्या होता है कि कयास लगाया जाता है कि ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मिड लूटियल फेज जो होता है उस दौरान जो है दोनों का रेशियो जो डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से ये सिम्टम शुरू होता है। पहला हाइपोथेसिस क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का जो रेशियो डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से ऐसा होता है। मेरी आवाज मिल रही है ना जी? असर हो रही है लेकिन क्योंकि कुछ आवाज मुझे भी मेरी खुद को मिल रही है। रिपीट हो रहा है सर, रिपीट हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है लेकिन आवाज मुझे भी मिल रही है। लेकिन चूंकि काट के नहीं कर सकता, एक बार ज्वाइन करने में मुझे बहुत पसीना बहाना पड़ा। अभी देख रहा हूँ कि मेरा खुद का पिक्चर मुझे नहीं दिख रहा जबकि मैंने वीडियो मोड ऑन कर रखा है। असल मौसम बहुत खराब है इसके लिए। दूसरा क्या है, दूसरा हाइपोथेसिस है कि न्यूरो इंडोक्राइन फैक्टर इसमें रोल प्ले करता है। न्यूरो इंडोक्राइन फैक्टर रोल प्ले, न्यूरो इंडोक्राइन फैक्टर कौन कौन सा प्ले करता है, जैसे सीएनएस। सीएनएस से रोल प्ले करता है सेरोटोनिन नाम का जो हार्मोन होता है, ये लूटियल फेज में अमूमन से कम सिक्रीट होता है। ल्यूटियल फेज में सेरोटोनिन नाम का जो एंजाइम होता है ये अमूमन हार्मोन ये कम सिक्रीट करता है। तो ड्यू टू सेरोटोनिन का लेवल कम होने की वजह से क्या होता है कि वुमेन्स में मूड स्विंग, चूंकि आप जानते हैं कि सेरोटोनिन बेसिकली दो तरह का रोल प्ले करता है, एक मूड एलिवेटर के तौर पे काम करता है, दूसरी चीज जो है आपको ये सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, इसलिए जो है सेरोटोनिन इसकी वजह से मूड स्विंग हो जाती है और भी मूड स्विंग की वजह से जो है ऐसा होता है, ठीक है। तो सीएनएस का सेरोटोनिन के लेवल गिरने की वजह से, चूंकि सेरोटोनिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर है, तो सेरोटोनिन का लेवल गिरने की वजह से ऐसा अमूमनता माना गया है। दूसरा क्या है, इंडोर्फिन। दूसरा इंडोर्फिन जो है ये भी एक तरह का क्या है कि आपको न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये भी माना गया है कि विड्रॉल ऑफ इंडोर्फिन होने की वजह से लूटियल फेज में जो है इंडोर्फिन का सिक्रेशन नहीं होता है, तो विड्रॉल ऑफ इंडोर्फिन होने की वजह से भी जो है ये सीएनएस के सिम्टम आते हैं। पीएमएस के ना सिम्टम सर? हाँ हाँ, पीएमएस के सिम्टम due to withdrawal of endorphins. ठीक है, थर्ड क्या है, गामा एमाइनो ब्यूटिक एसिड। गामा एमाइनो ब्यूटिक एसिड, गामा एमाइनो ब्यूटिक एसिड सप्रेस होने की वजह से एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि गामा एमाइनो ब्यूटिक एसिड जो है ये एंजाइटी लेवल को कम करता है, कम करता है। जब
जब कभी भी गामा एमाइनो बैटरिक एसिड जो है सप्रेस हो जाएगा तो वैसी सूरत में एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है और एंजाइटी लेवल बढ़ने की वजह से न्यूरो एंड वासो मोटर सिम्टम डेवलप होने लगता है। ठीक है, हेलो जी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट हो जाएगा, एक तो ये हो गया कि अल्टरेशन ऑन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सर एंजाइटी, सर एंजाइटी लेवल बढ़ जाता तो क्या बोले आप, न्यूरो एंड क्या, नहीं समझा मैं। एंजाइटी बोलिए ना, गामा एमिनो, यस सर, यूरिक एसिड। नॉर्मली क्या होता है कि एंजाइटी लेवल को कंट्रोल करता है गामा एमिनो ब्यूटिरिक एसिड, ब्यूटिरिक एसिड। लेकिन जब गामा एमिनो ब्यूटिरिक एसिड की कमी हो जाएगी तो नतीजा क्या होगा कि एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा। जब एंजाइटी लेवल बढ़ेगा तो नतीजे में क्या होगा कि हमारा मूड स्विंग डेवलप करने लगेगा, वैसोमोटर सिम्टम डेवलप हो जाएगा, वैसोमोटर सिम्टम डेवलप होने लगेगा। ठीक है, यस सर, ओके। न्यूरोएंडोक्राइन फैक्टर के बाद थर्ड फैक्टर जो है, पहला फैक्टर क्या हो गया आपको, अल्टरेशन इन द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दूसरा फैक्टर क्या हो गया, इंडोक्राइन फैक्टर। इंडोक्राइन में ये तीनों चीजें आ गई, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और गामा एमिनो ब्यूटिरिक एसिड। उसके तीसरा जो फैक्टर हो जाएगा वो साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। अगर किसी को साइकोलॉजिकल तौर पे कुछ ज्यादा एंजाइटी और टेंशन अदर वजह से साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर हो जाता है उसमें, तो इस वजह से कोई ज्यादा एंजाइटी लेवल हो उसको, तो वैसी सूरत में भी पीएमएस के सिम्टम ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर हो जाता है अदर। अदर में भी बहुत सारे फैक्टर है जिसको आप कह सकते हैं कि जान भी सकते हैं, नहीं भी जान सकते हैं। जैसे थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कम जाता है, प्रोलैक्टिन का लेवल जो है बढ़ जाता है, रेनिन, एल्डोस्टेरोन, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह सब, ये सारे के सारे फैक्टर आपको इन्वॉल्व हो सकते हैं अदर फैक्टर में। ठीक है, पीएमएस को एक्टिवेट करने के लिए ये सारे के सारे फैक्टर हो सकते हैं, बट इट इज नॉट कंफर्म, नॉट द मॉलिक्यूलर अप्रूवल कि हाँ ये फैक्टर वाकई में ऐसे काम करता है इसलिए ऐसा होता है, ये कोई ऐसा प्रूवन नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स की बात, अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स की बात। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या मिलेंगे, तो क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले रिलेटेड टू द वाटर रिटेंशन सिम्टम मिलेंगे। सबसे पहले एक जो है रिलेटेड टू द वाटर रिटेंशन, रिलेटेड टू द वाटर रिटेंशन, इसमें हो जाएगा एब्डोमिनल ब्लॉटिंग। अच्छा, इस टॉपिक को खत्म करना है आज ही या कल करना है, अगर आज ही करना है तो कट जाएगा तो दोबारा ज्वाइन कर लेना, बताओ जल्दी, आज ही खत्म करना है या कल करना है? अभी तो बहुत ही टाइम, अभी तो 20 मिनट हुआ है, तो 40 मिनट, 40 मिनट बचा है टाइम सर, 3 मिनट बचा हुआ है 40 मिनट होने में। अच्छा, फिर से ज्वाइन कर लेंगे सर। ज्वाइन करते जाओगे तो देखेंगे खत्म करेंगे। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू द वाटर रिटेंशन, जिसमें एब्डोमिनल ब्लॉटिंग होगा, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग होगा, दूसरा ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाएगा, ब्रेस्ट हार्ड हो जाएगा, इसके अलावा एक्सट्रीमिटीज में जो है वो स्वेलिंग आएगा और वेट गेन होएगा, यानी उस दौरान बदन, अक्सर औरतें कंप्लेन लेके आएगी कि बदन फूल जाता है फिर सटक जाता है, बदन फूल जाता है फिर सटक जाता है। ठीक है, बदन
टू रिलेटेड टू द मेनली एक्सट्रीमिटीज में होता है हाथ पे स्वेलिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज एंड वेट गेन. अब न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम. अब न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम में क्या होगा? इरिटेबिलिटी इरिटेटिव रहेगा. जरा सा छोटी छोटी बातों पे वो इरिटेट हो जाएगा, गुस्सा करेगा, झगड़े कर सकता है. इरिटेबिलिटी कौन सा सिम्टम क्या बताया सर? लास्ट पॉइंट न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम. न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम इसमें इरिटेबिलिटी टियरफुलनेस यानी हमेशा आंसू भरा हुआ रहेगा. इरिटेबिलिटी टियरफुलनेस आंसू भरा हुआ रहेगा. जरा सा कुछ होने पे रोना धोना चालू. ठीक है. डिप्रेशन एंड एंजाइटी. तो ये हो गया न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम. इसके अलावा और भी है न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम में, जो के मूड स्विंग टेंशन